और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। राजस्थान में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 33 उम्मीदवारों का ऐलान किया है कांग्रेस ने। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 29 विधायकों को टिकट दिए हैं पार्टी ने, और पहली सूची में 5 मंत्रियों के नाम भी शामिल है। 5 मंत्रियों पर दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है। डीन बाना से चेतन सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा अगर बात की जाए अशोक गहलोत की सीट की, तो सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोबारा उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, और टोंक से सचिन पायलट प्रत्याशी बने हैं, उनको टिकट दिया है। ये हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। विराटनगर से इंद्रराज सिंह गुर्जर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। विराटनगर से इंद्रराज सिंह गुर्जर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उनको टिकट दिया गया है। और सीपी को मिला है नाथद्वारा से टिकट, और बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता दें। और अलवर से टीकाराम जूली प्रत्याशी बने हैं, उनको टिकट दिया गया है, पार्टी ने दोबारा उनको मौका दिया है। इसके अलावा बता दें राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में 33 उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, जिस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 29 विधायकों को टिकट दिए हैं, और पहली सूची में 5 मंत्रियों के नाम भी शामिल है। पार्टी ने दोबारा उनको टिकट दिया है, भरोसा जताया है। डीनबाना से चेतन सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, ये एक बड़ा नाम माना जाता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से उम्मीदवार बनाया है, ये बेहद अहम सीट है। और टोंक से सचिन पायलट को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। और विराटनगर से इंद्रराज सिंह गुर्जर को पार्टी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। और बता दें कि नाथद्वारा से सीपी को टिकट मिला है, अलवर से टीकाराम जूली को प्रत्याशी बनाया गया है। ये जो तमाम नाम थे जो इस सूची में शामिल है, तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 29 विधायकों के नाम शामिल है। जो मौजूदा 29 विधायक है उन पर पार्टी ने दोबारा विश्वास जताया है, और इस सूची में 5 मंत्रियों के नाम भी शामिल है।